दोस्तों, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के बारे में आप सभी जानते हैं। क्या आप सदी के खलनायक के बारे में जानते हैं? ये वो खलनायक था जिनकी कुटिल मुस्कान और आंखों से दर्शकों में खौफ पैदा कर देता था। लोगों ने उसके नाम से अपने बच्चों के नाम रखने बंद कर दिए। हम बात कर रहे हैं दिग्गज अभिनेता प्राण की। उनका तकिया, कलाम, बरखुरदार आज भी हिंदी सिनेमा में याद किया जाता है। उनका जन्म पुरानी दिल्ली में हुआ था, लेकिन उनका ज़्यादातर समय लाहौर में गुजरा। उनका पूरा नाम प्राण किशन सिकंद, जो फिल्मों में आने के बाद सिर्फ प्राण रह गया। दिल्ली में उनका परिवार काफ़ी समृद्ध था। वह बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थे। प्राण को पान खाने का बहुत शौक था और इसी शौक ने उन्हें फिल्मों तक पहुंचा दिया। 1940 में लेखक मोहम्मद वली से उन्हें पान की दुकान पर खड़े देखा तो पहली नज़र में ही प्राण को अपनी पंजाबी फिल्म यमला जट के लिए उन्हें साइन कर लिया। प्राण के घर वाले उनके फिल्मों में काम करने के खिलाफ थे, लेकिन प्राण घर वालों के बिना बताए फिल्मों में काम करते रहे। जब उनका पहली बार अखबार में इंटरव्यू छपा तो उन्होंने अपनी बहन से विनती की कि किसी भी तरह उनके पिताजी की नज़र अखबार पर न पड़े। जैसे तैसे पिता को पता चल ही गया। प्राण पंजाबी फिल्मों में अच्छी तरह स्थापित हो गए थे, लेकिन भारत के बंटवारे के बाद उन्होंने लाहौर छोड़ दिया और 14 अगस्त 1947 को मुंबई आ गए। लाहौर छोड़ने के बाद उनकी कई सारी फिल्में पाकिस्तान में रिलीज हुई, जिसकी शूटिंग बंटवारे से पहले की जा चुकी थी। उन्होंने सिनेमा में उनकी शुरुआत हुई जिद्दी फिल्म से। लाहौर से मुंबई आने के करीब 8 महीने बाद लेखक सादत हसन मंटो और अभिनेता श्याम ने उनकी मदद की और उन्हें फिल्म निर्देशक शाहिद लतीफ से मिलवाया। शाहिद ने प्राण को फिल्म जिद्दी में रोल दे दिया और उनकी हिंदी सिनेमा में शुरुआत हो गई। इसके बाद प्राण ने खलनायकी से हिंदी सिनेमा में अपनी पहचान बनाई। 1955 के बाद दिलीप कुमार के साथ फिल्म आज़ाद, मधुमति, देवदास, दिल दिया दर्द लिया, राम और श्याम और आदमी नामक फिल्मों का किरदार महत्वपूर्ण है। देवानंद के साथ मुनीम जी, अमरदीप फिल्में पसंद की गई। उन्होंने फिल्म खानदान में हीरो का किरदार निभाया, जिसके बाद वे कभी नायक नहीं बने। उन्होंने खलनायकी की क्यों चुनी, इसके लिए उनका कहना था कि मुझे पेड़ों के चारों तरफ घूम घूम के नाचना अच्छा नहीं लगता। खलनायक में जो रौब होता है वह नायक में नहीं होता। अदाकारी से उन्हें इतना प्यार था कि उन्होंने राज कपूर की खस्ता हालत देखते हुए फिल्म बॉबी के लिए पारिश्रमिक सिर्फ 1 रुपया लिया था। प्राण ऐसे इकलौते कलाकार हैं जो हीरो से ज़्यादा पैसे लेते थे। राजेश खन्ना एक ऐसे सुपरस्टार थे जिनकी एक फिल्म के लिए प्राण से ज़्यादा भुगतान किया जाता था। 60 और 70 के दशक में निर्माता और निर्देशक प्राण और राजेश खन्ना को एक फिल्म में एक साथ लेने के से कतराते थे। उनका मानना था कि दोनों को एक साथ लेने से फिल्म प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाती है और बजट बिगड़ जाता है। एक वक्त था जब प्राण का मेहनताना सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से भी ज़्यादा था। वह प्राण ही थे जिन्होंने अमिताभ बच्चन के नाम की सिफारिश फिल्म जंजीर के लिए प्रकाश मेहरा से की थी और यह किरदार देवानंद, धर्मेंद्र, राजकुमार को भी ऑफर किया गया था। राजकुमार ने यह रोल प्रकाश मेहरा से यह कहते हुए ठुकरा दिया था कि मेरी कहानी मुझे भी सुनाने आए हो। दरअसल राजकुमार किसी ज़माने में पुलिस वाले हुआ करते थे और जंजीर का नायक भी पुलिस वाला था। प्राण का भी इस फिल्म में शेरखान नाम का किरदार था। फिल्म में शेरखान का जो गेटअप था उसे प्राण ने खुद तैयार किया था। दरअसल प्राण को मेकअप की अच्छी समझ थी और अपने मेकअप कर खुद काम किया करते थे। वह अपने घर में चित्रकार रखते थे जो उनके मनचाहे लुक को बनाता रहता था।
इसके बाद उनके मेकअप आर्टिस्ट और विग बनाने वाले उस किरदार पर काम करते थे। गुमनाम, परवरिश, जंजीर, डॉन और शहीद में उनके लुक को काफ़ी पसंद किया गया। यह लुक और स्टाइल उन्होंने खुद तैयार करवाया था। उन्हें सन 2000 में स्टारडस्ट ने मिलेनियम के खलनायक से पुरस्कृत किया था। 2010 में CNN की 25 सर्वकालीन एशियाई अभिनेताओं में उन्हें चुना गया था। 2001 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया और भारतीय सिनेमा ने योगदान के लिए 2013 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। 12 जुलाई 2013 को उनका मुंबई में निधन हुआ।